हेलो दोस्तों, देखिए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 8 अक्टूबर को ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में चेन्नई के ग्राउंड पे भिड़ेंगे, लेकिन उसके पहले ही भारत के फॉर्मर लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने अपनी प्लेइंग 11 बताई है कि इस प्लेइंग 11 के साथ भारत को उतरना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस अश्विन को लेकर इतना ज्यादा हल्ला गुल मचा था, उन्होंने अश्विन को ही बाहर कर दिया है। और ये तमाम अभी आपको बताएंगे कि आखिर में कौन सी प्लेइंग 11 बताई है सुनील गावस्कर ने और उस प्लेइंग 11 में कितना दम है, इसी बात से बात करेंगे। आप लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार, आप सभी लोगों को मैच में स्वागत है, मैं आप सतीश मिश्रा है। देखिए, जिस रविचंद्र अश्विन को लाने के लिए अक्षर पटेल को जो इंजरी हुई, उस इंजरी को इतना बड़ा बना दिया गया कि उनको हटाकर रविचंद्र अश्विन को लाया गया। देखिए, ये जग जाहिर बात है कि जब आप किसी प्लेयर को लाना चाहते हैं तो ले आते हैं, और जब किसी को भगाना चाहते हैं तो कोई ना कोई बहाना तो आपके पास होता ही है। ऑब्वियस सी बात है, अक्षर पटेल को इसमें कोई गलती नहीं है, सिंपल सी बात तो यह है। लेकिन सुनील गावस्कर ने अपनी प्लेइंग 11 कौन सी पिक की, उस पे आप लोग से बात करेंगे। देखिए, उन्होंने सूर्यकुमार यादव को, ईशान किशन को भी अपने प्लेइंग 11 जगह नहीं दी है। और वहीं बात करते हैं, देखिए ऊपर से रोहित शर्मा ऑब्वियस बात कप्तान है, शुभम गिल हो गए, और आपके विराट कोहली हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, और आपके हो गए देखिए केएल राहुल हो गए आपके, उसके बाद देखिए आपके रविंद्र जडेजा हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, कुलदीप यादव हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, और आपके हो गए जसप्रीत बुमराह। मतलब कि तीन प्रॉपर फास्ट बॉलर शमी, सिराज, बुमराह हो गए, उसके बाद ऑलराउंडर फास्ट बॉलर आपके हार्दिक पांड्या हो गए, और दो आपके स्पिनर हो गए, एक कुलदीप यादव हो गए, एक रविंद्र जडेजा जो बैटिंग भी कर सकते हैं। और ऊपर से आपके देखिए शुभम गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये आपके पांच प्रॉपर बल्लेबाज हो गए। वहीं हार्दिक पांड्या छठे खेलेंगे और सात नंबर पर खेलेंगे रविंद्र जडेजा, लेकिन उसके बाद आठवें नंबर की बैटिंग नहीं रहेगी, और आठवें नंबर की बैटिंग पे थोड़ा मुश्किल जरूर बनेगा, क्योंकि रोहित शर्मा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें आठ नंबर पैसा एक खिलाड़ी चाहिए जो बॉलिंग के साथ बैटिंग कर सके, और उस जगह तो रविचंद्र अश्विन पूरी तरह फिट बैठते हैं। तो आखिरकार सुनील गावस्कर ने ये जो प्लेइंग में बताई है, चेन्नई की पिच तो काफी स्पिन के हेल्पफुल करती है, उसके बावजूद रविचंद्र अश्विन को क्यों नहीं मौका दिए है, ये थोड़ा समझ से बाहर है, क्योंकि बहुत ज्यादा हल्ला मचाए हुए थे सुनील गावस्कर की आखिर में यूजी चहल या अश्विन को क्यों नहीं लिया गया, ये तमाम प्रकार की बातें की है, उसके बावजूद क्यों मौका नहीं है समझ से बाहर है। लेकिन तीन प्रॉपर फास्ट बॉलर खिलाना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे भारत के दृष्टिकोण से, और रोहित शर्मा ऐसे कप्तान तो मुझे नहीं लगता, और रविचंद्र अश्विन साथ आठवें नंबर पर जाएंगे। उसके बाद आपके दो तेज गेंदबाज होंगे, आपके एक बुमराह हो गए, एक सिराज होंगे आपके, और एक हार्दिक पांड्या हो गए, और तीन आपके ये हो जाएंगे इस तरह के। तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ भारत जाने वाला है, जिस कॉम्बिनेशन सुनील गावस्कर बता रहे, मुझे नहीं लगता कि उस कॉम्बिनेशन के साथ भारत जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, प्लीज सब्सक्राइब, मैच लाइक कीजिए, प्रेस की सुधना ख्याल रखें, मिलते हैं वीडियो में, बाय, जय हिंद, जय भारत।